बिल यहां सदन के सामने रखा गया है, वो जम्मू कश्मीर का जो कार्डर है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उसको गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के कार्डर के साथ मर्ज करने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उस कानून के बारे में अगर ये नॉर्मल यूनियन टेरिटरी होती तो शायद मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे कि सदन में बताया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कुछ समय के लिए दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड दी जाएगी। तो मेरा माननीय गृह मंत्री जी से पूछना कि अगर स्टेटहुड बनानी है, जो कि बहुत अनिवार्य है, और क्यों अनिवार्य है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो जब पिछले 3 साल से पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी कार्डर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? उससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी रखना चाहता, और परमानेंटली अगर यूनियन टेरिटरी नहीं रखना चाहता था तो फिर 2-4 महीनों के लिए कार्डर को मर्ज करना और फिर स्टेट बनेगी और फिर उससे बाहर निकालना, तब तक कई ट्रांसफरें इधर की होंगी, इधर की होंगी, कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल जाएगा, गोवा मिजोरम से कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, जम्मू कश्मीर से गोवा मिजोरम जाएगा, तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत? मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी यहां हैं, बहुत सारी चीजों पे जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, यूनियन टेरिटरी बनी, उस पर चर्चा हुई थी, मैं उस पर आज दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता, और मैं कोई कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं आज करना चाहता हूं, क्योंकि शायद ये सदन में मेरी किसी भी बिल पर या क्वेश्चन पर आखिरी स्पीच। लेकिन कुछ तर्क ये दिए गए थे उस वक्त कि यूटी क्यों बनाया जा रहा, ये तर्क दिया जा रहा था या तर्क दिया गया था कि विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज बाहर से जा नहीं पा रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही, इसलिए उद्योग बाहर से नहीं जा रहे हैं, और जिसके कारण वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादा, तो यूटी बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे, गवर्नमेंट लथार्जिक है, वो रुचि नहीं ले रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जब से गवर्नर रूल हुआ और जब से स्टेटहुड, विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बनी और स्टेटहुड खत्म हो गई, एक तो स्टेट
स्टेट के नक्शे से हिंदुस्तान की उड़ गई, यूनियन टेरिटरी बन गई, वो तो अलग बात। लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर जो एक बेस बनाई गई थी कि ये कारण है यूटी बनाने के। मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं। कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज आती हैं, बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है। उसके कारण है क्योंकि वहां सफल नहीं रहती इंडस्ट्री, 6 महीने तो विंटर होता है, दूर भी है। लेकिन अधिकतर हमारी जो जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन 10 डिस्ट्रिक्टों में 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब के साथ लगे हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू, अधिकतर तो कठुआ में, थोड़ा फिर सांबा में और थोड़ी सी जम्मू, तो बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों में कोई उद्योग लगाता नहीं है, दूर है जम्मू से और रेल नहीं है, नॉर्मली रेल हेड पर लोग उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के आंकड़े बताता हूं, नया उद्योग कोई नहीं आया माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन इन 2 सालों में टोटल संख्या जम्मू प्रोविंस में उद्योगों की 12,997, तकरीबन 13,000 उद्योगों का, और इनमें चल कितने रहे आज 5,890 और बंद कितने हुए 7,107। तो 60% माननीय गृह मंत्री जी उद्योग बंद हो गए, नया आया नहीं। तो ये तर्क कहां, उसका मतलब है वो तर्क जो दिया गया था कि हम यूटी बनाएंगे, बाहर से आएंगे। मैं ये कहता हूं ये सब बाहर के थे, ये कोई पंजाब के थे, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई बंबई का था। तो यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं, यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है, इंसेंटिव्स खत्म किए गए, फिर ये जो 1-1.5 साल से 5 अगस्त 18 से जो गतिरोध बनता रहा तो लोग भागी गए क्लोज। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ठीक नहीं था। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं। टेलीविजन में हो सकता लेकिन रोड पे कोई डेवलपमेंट नहीं, सड़कों की कंडीशन बहुत खराब। यहां तक मैं नेशनल हाईवे का जिक्र कर रहा था कल या परसों किसी विषय पे चर्चा करते हुए, कि एक स्ट्रेच है 30 किलोमीटर का बटोत से बानहाल तक, वो 7 साल से नहीं बन रहा। तो हमारा नेशनल हाईवे ही बंद रहता है साल में, बरसात में 2-3 महीने और 2-3 महीने विंटर में, तो 4 महीने नेशनल हाईवे ही बंद होता है। हमारे बॉर्डर एरियाज में, उसमें ज्यादा मैं लेख नहीं करना, मैं आज ही बता चुका हूं कि कितने सीज फायर वायलेशन बढ़ गए पिछले साल 5,000 से ज्यादा, उससे पिछले साल 3,000 से ज्यादा, उससे पिछले साल तकरीबन 3,000, जिसकी वजह से हमारे जम्मू, सांबा, कठुआ, रजौरी, पुंछ में बहुत नुकसान होता है, किसानों का भी, लोगों का भी, जान माल का नुकसान होता है। 5 मरले जमीन बॉर्डर के दूर देनी थी, बॉर्डर से जहां लाइन है, ताकि जब भी फायरिंग होती तो वो बच सकते, वो अभी तक नहीं हुआ। वाटर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वाटर सप्लाई की, उसका कारण है कि कोई ना कोई नए तजर्बे होते हैं जम्मू कश्मीर। पहले जब जो इरिगेशन का और या वाटर सप्लाई का जब टेंडर्स निकलते थे तो उसमें प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट 70% करती थी और 30% वेजेस कंट्रैक्टर लगाता था। मैंने पाइप्स का मैं उदाहरण देता था, तो वाटर सप्लाई वाले 70% पाइपें खरीदते थे, एक तो सस्ती खरीदते थे, सरकार की खरीदती थी, एक जगह खरीद। अब ये निकला कि नहीं, 70% नहीं, 100% कंट्रैक्टर खुद खरीदेगा।
उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता रहता है कहां मुझे मिलेगी। सरकार खरीदती थी एक ही वगैरह तो एक ही सरकार बांट देती थी कहां कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा उसमें क्या गलती की कि अगर कहीं टूट गई पाइप, फट गई टाइप, तो डिपार्टमेंटल जो काम होता था रिपेयर का, अब वो डिपार्टमेंटल रिपेयर नहीं होगी, उसके लिए भी टेंडर निकलेगा। तो तब तक उसको प्यासा रहना है, तब तक उसको वाटर सप्लाई के, तो अगर डिपार्टमेंट होता था तो उसी रातों रात उसको दूसरी पाइप लगाता, जोड़ देता, नहीं, उसके लिए भी अब क्या कहते हैं टेंडर निकलेगा। पावर, पावर में दो जब तक सरकार थी वहां तो उस वक्त 90 रुपए टैरिफ था पर यूनिट, और आज क्या है 375 रुपए पर यूनिट। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो भयंकर बढ़ गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के क्या रीजन, तीन चार रीजन। कश्मीर का अलग रीजन है, जम्मू का अलग रीजन है। कश्मीर का अलग रीजन है कि 5 अगस्त जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद कई महीनों तक पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर बंद रहा, एक तरीके की कर्फ्यू की स्थिति रही, उसके बाद कोविड आया, तो नतीजा यह हुआ कि टूरिज्म शून्य के बराबर हुआ, नतीजा ये हुआ कि हैंडीक्राफ्ट शून्य के बराबर हुआ, दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स वो जम्मू में भी बंद हो गए, कश्मीर में भी बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहे, और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उसमें भी जिन टीचरों को तनख्वाह मिलती थी वो भी बंद हो गई, तो जो एम्प्लॉयड थे वो भी और अनएम्प्लॉयड हो गए, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है सरकारी एम्प्लॉयमेंट वो तो बंद हो ही, लेकिन जो दूसरा तिजारत के जरिए पैसा मिलता था लोगों को तिजारत करने से वो भी नहीं मिल रहा। तो अभी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हर लेवल पे कई गुना बढ़ गई। सरकार अगर होती वहां, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, तो समाधान कुछ हद तक होता, मंत्री कम होते हैं लेकिन एमएलए होते हैं। क्यों हम पूरे देश में यूटीज नहीं बनाते हैं, क्यों इलेक्टेड गवर्नमेंट रखते हैं? सर मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ये मानेंगे कि जो रिस्पांसिबिलिटी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है वो एक मुलाजिम की नहीं होती। आपने अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी के, बीडीसी के इलेक्शन किए जिसकी हमने सराहना की, हमने उसको सपोर्ट किया। क्यों किया आपने, क्यों ये इलेक्शन कराया? क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस लेवल पे भी हो, ब्लॉक लेवल पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो, वो डेवलपमेंट करे। लेकिन एमएलए तो कानून भी बनाता, अब अफसर हमारा तो कानून नहीं बना सकता, वो कानून बनाएगा वो एक जगह एक आदमी बनेगा। अभी हम यहां डिस्कस करते हैं तो कानून आप लाते हैं तो कितनी अमेंडमेंट्स उसमें आती हैं, कितनी उसमें सजेशंस आती हैं। अब आज कानून बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें कोई सजेशन नहीं आई। वो एक आदमी का जो चीफ सेक्रेटरी का दिमाग होगा या किसी ऑफिसर का दिमाग होगा, वो एक आदमी की सजेशन होगी, उसका इम्पैक्ट देहात में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जम्मू में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट लद्दाख में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट किसानों पे क्या होगा, मजदूरों पे होगा, वो नहीं सोचेगा, वो तो दफ्तर में बैठ के बनाएगा। लेकिन उसको इम्पैक्ट को देखने के लिए जो हम कानून बनाते हैं पार्लियामेंट या विधानसभाओं में।